हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन पर यहाँ पर एसडी कार्ड जो है वो यहाँ पर नहीं बता रहा है, यानी कि एसडी कार्ड आपके फ़ोन में शो नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो कभी कभी जो है ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले ना दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में जो एसडी कार्ड है उसको आपको बाहर निकालना है, और उसके बाद आपको फिर से दोबारा से लगा के देखना है। तो ऐसा करने के बाद जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर ऐसा करने से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अबाउट फ़ोन पर क्लिक करना है और स्टोरेज पर चले जाना है। स्टोरेज में आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे की ओर जो है इस तरीके से, अगर आपके फ़ोन में एसडी कार्ड शो कर रहा होगा तो वो जो है इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके फ़ोन में यहाँ पर माउंट का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपके फ़ोन में माउंट का ऑप्शन आ रहा होगा ना, तो आपको वहाँ पर उसको क्लिक करके माउंट कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर उसको माउंट करेंगे, तो दोस्तों आपके फ़ोन पर जो एसडी कार्ड है वो इस तरीके से शो करने लगेगा। होता क्या है कि आप लोग यहाँ पर वो जो है माउंट का जो ऑप्शन है उसको आप लोग यहाँ पर क्लिक नहीं करते हैं, यानी कि माउंट नहीं करते हैं, तो इसके वजह से आपके फ़ोन में एसडी कार्ड लगा तो रहता है, बट जो है फाइल मैनेजर में अगर आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो वहाँ पर जो है आपके फ़ोन में एसडी कार्ड शो नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसमें जो है सेटिंग करिए, माउंट करिए यहाँ पर, ओके। तो उसके बाद फिर आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।